वेलकम यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल मैच बाय मोहित दुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाइव पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। जैसे कि आपको पता है, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको नंबर सिस्टम का। आज हम पढ़ेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे डाउट क्लियर कर लेंगे हम सारा का सारा। जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम के, उसके जो रूल्स हैं वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स के बेस पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट हम सारा का सारा इस वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे। मतलब ये वाली वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, नंबर सिस्टम का 50% क्वेश्चन के कंसेप्ट जो है आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ, इतनी बेसिक बातें और इतनी डीप बातें बताने वाला हूँ कि जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल से पहले स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ कंसेप्ट, कुछ रूल्स रिमाइंडर थ्योरम के। रिमाइंडर थ्योरम के जो मैं रूल्स पढ़ाऊंगा आज, वो इतने बढ़िया रूल्स होंगे और आगे आने वाले चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के कुछ रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हम, जैसे कि आपको पता है कि हम डिवाइड करते हैं, उसमें रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर 17 को मैं डिवाइड करूं 6 से, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 17 को 6 से डिवाइड किया, 6 2s आया 12, माइनस करा इससे 17 से, आंसर आ गया 5। 5 क्या है, ये ही रिमाइंडर है। अब सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि समय क्वेश्चन में बोला गया होता है 5 गुना है डिवाइजर का, जो रिमाइंडर है 5 गुना है डिवाइजर का, 6 गुना है क्वेश्चन का और 10 गुना है डिविडेंड का। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता डिविडेंड किसे कहते हैं, क्वेश्चन किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं और डिवाइजर किसे कहते हैं। इस बेसिक कंसेप्ट में बता देता हूं मैं आपको, ये हमारा आ गया रिमाइंडर, ये हमारा आ गया क्वेश्चन, ये जो 17 है वो है डिविडेंड, और जो 6 है जिससे जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवाइजर। आई होप आप सारी की सारी बातें क्लियर करते हुए चलना, जिस तरीके के हमें क्वेश्चंस आएंगे उस तरीके से हमारे बेसिक कंसेप्ट हमारे 100% क्लियर होने चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट पे, 17 को मैंने डिवाइड करा 6 से, तो आप बोलोगे सर इसका बेसिक कंसेप्ट से आंसर आया 5, जो कि हमारा आ गया रिमाइंडर। जो मैं बात समझाने वाला हूँ वो आप समझते हुए चलना, बहुत बेसिक बात बताने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट भी है नंबर सिस्टम चैप्टर के लिए। देखो यहाँ पे आपने देखा, अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं 17 को, या फिर मैं बोलता हूँ 17 6 का मल्टीपल नहीं था क्योंकि इसमें रिमाइंडर आ रहा है 5। अगर रिमाइंडर 0 आता, अगर मैं 15 डिवाइड करूं 5, यहां पर रिमाइंडर आएगा 0, तो मतलब मुझे पता 15 जो है 5 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर, तो मतलब पता लग गया ना 17 ना 5 6 का मल्टीपल नहीं है, 6 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे 6 का मल्टीपल कौन सा है, 12 है, जो कि 5 ऐड करते हैं 12 में, जो कि इसका रिमाइंडर था यहाँ पे। इस तरीके से 12 के बाद 6 का अगला मल्टीपल है 18, 18 में कितना माइनस करेंगे 17 आ जाएगा -1। तो आप बोलोगे सर ये -1 + 1 क्या सिखा रहे हो आप, मैं इसका कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं एक बार। मैं समझाने का मतलब यहां पे ये है, जो यहां पे हमारा आ रहा है रिमाइंडर, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पे आपको। 18 में से 1 माइनस करा जब हमने यहां पे, तो 17 आता है, तो यहां पे हमारा रिमाइंडर निकल गया 1, यहां पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया -1। अब बोलोगे सर नेगेटिव में रिमाइंडर कैसे आता है, मैं बोलूंगा नहीं, ये सिर्फ हमने क्वेश्चन को इजी करने के लिए लिखा नेगेटिव में रिमाइंडर। एक्चुअल में नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं आएगा, जो नेगेटिव आएगा उसको उस नंबर से माइनस कर देंगे जो नंबर नीचे लिखा होगा, मतलब कि अगर यहां 6 लिखा था उसको माइनस कर देंगे, 6 - 1 एक्चुअल में +5 ही रिमाइंडर है। देखो यहाँ पे ऐसे ही लिखा भी आपने, पॉजिटिव 5 रिमाइंडर था। इस तरीके से एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं, 27 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा, मुझे पता है पॉजिटिव 7 क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा। बहुत इजी इजी बात समझते हुए चलेंगे यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। 10 का पहला मल्टीपल होता है 10,
दूसरा मल्टीपल होता है 20, तीसरा मल्टीपल होता है 30. 20 से कितना बड़ा है, 27 प्लस 7 बड़ा है, यही इसका रिमाइंडर था. बिल्कुल ठीक बात है. इस तरीके 30 के अंदर अगर मैं 3 माइनस कर दूं तब भी तो रिमाइंडर आएगा. रिमाइंडर नेगेटिव में क्यों करा? अभी आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके डाउट आ रहे हैं माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएंगे. सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट देना मुझे, आपको आगे आने वाली वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. देखो 30 में से 3 माइनस करा तब भी आएगा. नेगेटिव में आपको पता है आंसर नहीं होता. यहां लिखा था 10, जिससे हम डिवाइड करते हैं 10 - 3 = आएगा 7. यही हमारा पॉजिटिव में एक्चुअल रिमाइंडर था. मैं यहां पे क्यों कर रहा हूं, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का मुझे टाइम दो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. अगर मैं यहां पे डिवाइड करूं 13 को 9 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा पॉजिटिव 4. 9 के अंदर मैंने 4 ऐड किया, 13 आ गया. इसी तरीके से 18 के अंदर मैं -5 करूंगा तब भी 13 आ जाएगा. 13 को 9 से डिवाइड करूंगा, -5 रिमाइंडर आएगा. मगर नेगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं है. ये तो हम इजी करने के लिए कर रहे हैं क्वेश्चंस को. इजी कैसे करेंगे, 2 मिनट दो, बताता हूं अभी. 9 - 5 = पॉजिटिव में 4 रिमाइंडर आ गया. आई होप आपको अब तक सारी की सारी बात क्लियर हो चुकी होगी जो मैंने सिखाई आपको. डिवाइड में नेगेटिव क्यों लिखा अभी इसका आंसर दे दूंगा, मगर डिवाइड में लिखते हैं ये भी एक ऑप्शन है अगर हम रिमाइंडर निकालना चाहें तो भी. ठीक है, आज की वीडियो आगे बढ़ाते हैं. देखो कैसे, नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आता हूं. अगर हमें यहां पे लिखा था सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट का मतलब क्या है? अगर हमें यहां पे 49 multiply 65 / 9 बोलता तो आप क्या करते क्वेश्चन के अंदर? इस पूरी टर्म को, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते फिर 9 से डिवाइड करते? ऐसा नहीं है. इसके मैं 3 रूल बताऊंगा. रूल नंबर पहला, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालो. पॉजिटिव रिमाइंडर 9 के टेबल में 45 आता है, 9 - 5 = 45 प्लस 4 रिमाइंडर आएगा. 65 किस पे जाता है आपको पता है? 963 पे जाता है, 7 पे. 9 7 का कितना होता है? 7 9 का होता है 63, तो मतलब पॉजिटिव 2 रिमाइंडर आएगा. बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जो बीच में लिखे हैं मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर जो रिमाइंडर आया उसको मल्टीप्लाई कर देना. 4 - 2 आएगा 8, इसका रिमाइंडर आ गया. एक कीवर्ड बता रहा हूं मैं आपको, की पॉइंट बताने वाला हूं ये कि अगर दो नंबर हैं, नीचे डिवाइड लिखा है, जो भी नंबर, रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से छोटा आता है. रिमाइंडर का मतलब ही होता है रिमेनिंग. अगर मैं आपको 10 रुपए लेके भेजूं मार्केट में और आप कुछ खर्चा करोगे तो जो पैसे मैंने आपको दिए थे उससे कम ही घर लेके आओगे, ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है. रिमाइंडर मतलब होता है रिमेनिंग, बचा कितना, जितना है उससे तो कम ही बचेगा ना. अगर आप बाहर जाओगे शॉपिंग करने के लिए, जो बचेगा या 0 बचेगा या फिर इस नंबर से छोटा बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी बच सकता है अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो. तो यहां पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 8 आ गया अगर मैंने दोनों कंडीशन में इसको पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है. नेगेटिव की बात करते हैं. अगर 49 multiply 65 / 9 करता, ये तो निकाला मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर. नेगेटिव रिमाइंडर देखो, क्वेश्चंस करने में आपको बहुत आसानी होगी जो मैं तरीका बता रहा हूं यहां पे. नेगेटिव रिमाइंडर देखो, आपको पता है यहां पे आपने देखा 45 ऐसा मल्टीपल था जो कि 9 का मल्टीपल है, उसका दूसरा मल्टीपल कौन सा होगा? 54 से कितना छोटा है ये? -5 छोटा है, -7. 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं 63 के बाद इसका नेक्स्ट मल्टीपल 72 आता है. 72 से कितना छोटा है ये? 7 छोटा है, 7 छोटा है. क्वेश्चंस अभी आपको नहीं दिखाई होंगे. अब देखो यहां पे 7 - 5 = 35 आता है, 7 - 5 = 35 आता है. अगर ये पॉजिटिव रिमाइंडर है तो बात ही खत्म है. मगर पॉजिटिव रिमाइंडर 9 से बड़ा नहीं हो सकता, मैंने अभी आपको बताया. देखो 35 को अगेन 9 से डिवाइड करेंगे अगर हमें रिमाइंडर निकालना है. 9 2 होता है 18 9 3 होता है 20 9 3 होता है 27 9 3 होता है 36. देखो इसको दो तरीके से दोबारा हम कर सकते हैं. ये 27 से कितना बड़ा है? 8 बड़ा है, पॉजिटिव 8, तो रिमाइंडर देखो यहां पे आ ही रहा है. और अगर हम 36 देख लेते, 36 से कितना छोटा है? -1.
माइनस वन रिमाइंडर हो नहीं सकता, उस नंबर से माइनस करेंगे जो नंबर नीचे लिखा हुआ है, 9 - 1 = 8 हमारा रिमाइंडर आएगा। हमने नेगेटिव से भी करके देख लिया, पॉजिटिव से भी करके देख लिया। अब थर्ड तरीका वो सिखाने वाला हूँ कि अगर एक पॉजिटिव से लें दूसरा नेगेटिव से लें, देखो रिमाइंडर तो सेम ही आएगा, आपको पता है। अगर मैं 13 में से 10 को डिवाइड करूं, क्या भी कुछ भी तरीका लगा लूं रिमाइंडर 3 ही आना है, चाहे प्लस करूं चाहे माइनस करूं चाहे डिवाइड करूं, कुछ भी करूं रिमाइंडर हमेशा 3 ही आएगा। कंसेप्ट कुछ भी चेंज हो सकते हैं मगर सॉल्यूशन चेंज नहीं हो सकता, अलग अलग मेथड बन सकते हैं। देखो दूसरा तरीका देखते हो, देखो अभी यहाँ पे आप तीसरे तरीके में ये कह रहा है क्वेश्चन में 49 लिखा था 65 डिवाइड करें अगर 9, इस रिमाइंडर को लूंगा मैं पॉजिटिव में, इस रिमाइंडर को लूंगा मैं नेगेटिव में। देखो कैसे 9 5 होता है 45 से कितना बड़ा है, प्लस 4 बड़ा है। इसको नेगेटिव की बात करूं 72 इसके बाद का मल्टीपल है, तो ये कितना छोटा है, माइनस सेवन छोटा है। प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 7 आंसर आएगा -28। जब डिवाइड करोगे इसको 9 से, रिमाइंडर देखो कभी भी छोटा नहीं आ सकता, इससे डिवाइड करोगे जब 9 से, 9 2 कितना होता है, इसको डिवाइड करोगे -1 आंसर आएगा, डिवाइड बाय 9, 28 को जब डिवाइड करोगे 9 से, 9 3 27 होता है, -1 बच गया, तो रिमाइंडर -1 आ नहीं सकता, आपको पता है। -1 जब रिमाइंडर आएगा तो उसको उस नंबर में से माइनस करते हैं जो नंबर नीचे लिखा हुआ है, मतलब कि 9 - 1 = 8 रिमाइंडर। आपने चाहे केस देखा पॉजिटिव लिया हमने, चाहे नेगेटिव लिया, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव लिया, आंसर क्या आना है रिमाइंडर हर केस में 8 ही आया। अगर आपको ये बात सारी की सारी समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आ रही तो आगे आने वाले टाइम में सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं तभी थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। मैं 54 मल्टीप्लाई करूं मैं 73 से, डिवाइड करूं 8। अब पॉजिटिव चलते हैं, अगर आपको लगता है नेगेटिव से इजी पॉजिटिव से मुश्किल, तो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव से क्वेश्चन आसान है या फिर नेगेटिव से क्वेश्चन आसान है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव से क्वेश्चन आसान है। जिस भी तरीके से क्वेश्चन आसान आएंगे, हमने तीनों तरीके पढ़ लिए, उस तरीके से हम सोल्यूशन निकालेंगे एग्जाम के अंदर। 8 का टेबल देखो, 8 6 होता है 48, 48 से कितना बड़ा है ये, प्लस 6 बड़ा है। 8 9 होता है 72, ये कितना बड़ा है, प्लस 1 बड़ा है। 6 - 1 आ गया रिमाइंडर 6, रिमाइंडर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 6। अगर आप 54 - 78 करोगे, डिवाइड करोगे उसको 8 से, तब भी इसका सॉल्यूशन जो रिमाइंडर आएगा वो 6 ही आएगा। हमने देखा ये बेसिक कंसेप्ट से, हमने लिखा ली शॉर्ट ट्रिक, बेसिक कंसेप्ट से करके देखोगे तब भी इसका आंसर सेम ही आएगा। धीरे धीरे अपने लेवल बढ़ाएंगे हम वीडियो का, ताकि आपको आने वाले जो क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स पे हो जाए। कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आता होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे बहुत आसानी से। देखो एक और क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखा है 1753 - 1749 - 83 - 171 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे। देखो ये क्वेश्चन जब आते हैं तो यहाँ पे हमारी लगती है रिमाइंडर थ्योरम नहीं, रिमाइंडर के कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। इन रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे 5 से 10 सेकंड के अंदर, अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई करने वाले तरीके से जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको पता है 17 से 1700 डिविजिबल है, 1700 के मल्टीपल चलते हैं, 17 के मल्टीपल में 1751 आता होगा, 17 मल्टीप्लाई अगर आप 3 करोगे तो आएगा 51 होता होगा। 1751 से कितना नंबर बड़ा है ये, प्लस 2 नंबर बड़ा है। 1751 से कितना नंबर छोटा है ये, -2। और ये क्वेश्चन में देखना है किसके नियर बाय वो नंबर है, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हम करें वो हमारे छोटे छोटे नंबर मल्टीप्लाई होके, ताकि आंसर हमारा इजी आ जाए। 17 यहाँ पे कितने बार 85 पे आता है, 17 5 आता है 85, माइनस करेंगे 285 से, 2 छोटा है ये नंबर, ठीक है ना। 17 10 होता है 170, तो कितना बड़ा है, प्लस 1 बड़ा है। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स को, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बीच में 2 2 4 4 2 8 इसका रिमाइंडर आ गया, बात ही खत्म। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे सामने, अगर आप इन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे 17 से, तब भी आंसर हमारा 17 आएगा। धीरे धीरे मैं फास्ट होते चले जाऊंगा, अभी आपको स्लो तरीके समझा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में उनको ब्रीफ करके एक बार यहाँ समझा रहा हूँ, उसके क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे होते हैं हमारे एग्जाम हॉल के अंदर। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, छोटा सा
नंबर सिस्टम की थ्योरम्स के ऊपर जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, अब कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको। देखो हमें क्वेश्चन में किसी किसी क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, हमें क्वेश्चन में बोलता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। यूनिट डिजिट मतलब कि हिंदी में बोलते हैं शायद इकाई अंक, मतलब कि राइट हैंड साइड पे जो नंबर, एक नंबर लिखा है, चाहे वो नंबर टू डिजिट नंबर हो या थ्री डिजिट नंबर हो, फोर डिजिट नंबर हो, फाइव डिजिट नंबर हो, कितना भी डिजिट नंबर हो, उसकी राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर होता है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इस नंबर को यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं देखो, हमें यहाँ बोला जाता है क्वेश्चन के अंदर 128 99 × 96 × 997, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, हम क्या करते हैं, बेसिकली बहुत आसान है, हम क्या करते हैं देखो, एक तरीके, दो तरीके लाता हूं मैं आपको, दो तरीके लाता हूं किस तरीके से। देखो जैसे कि, जैसे कि एक तरीका तो ये है, 9 मल्टीप्लाई करो आप 6 से, 7 मल्टीप्लाई करो आप 6 से, 7 6 जाता है 42, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो 9 से तो आएगा 8, 8 हमारा आ गया यूनिट डिजिट पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर दो आप 10 से। मैं बात कर रहा हूं अभी यूनिट डिजिट की, तो हम जो भी नंबर मल्टीप्लाई कराओगे उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 10 से उसको हम डिवाइड कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे जो भी मल्टीपल इसका आएगा -3 है, क्योंकि मुझे पता है 1000 जो है 10 का मल्टीपल है, -4 लिखेंगे क्योंकि 100 मल्टीपल है, -4 लिखेंगे आप +1 लिखेंगे, आपको ध्यान देना है हमें यहाँ पे 10 दे रखा है तो मतलब मैं यहाँ पे -4 लिखूंगा ऐसे, क्योंकि 95 10 का मल्टीपल नहीं है, 100 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -4, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा -1, -1 मल्टीप्लाई -4 हो गया है, पॉजिटिव का पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाई -3 आ गया -12 आंसर, -12 डिवाइड बाय 10 करोगे तो रिमाइंडर आ गया -2, रिमाइंडर कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता, उसको उस नंबर से आप माइनस करोगे जो नंबर नीचे लिखा हुआ था, मतलब कि 10 -2 आप करोगे 8, तब भी आंसर 8 आएगा, जिस कंसेप्ट से मैंने अभी आपको बताया। देखो ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट से भी हो सकता है, अगर आप यूनिट डिजिट की बात कर रहे हो, अगर जो भी मल्टीप्लीकेशन लिखी थी उसको डिवाइड कर दोगे आप 10 से और जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट को अप्लाई कर दोगे तब भी आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी, मैंने आपको अभी हेंस प्रूफ करके यहां पे दिखा दिया, ठीक है। एक और कंसेप्ट सीखते हैं इस क्लास में, हम सीखते हैं, ये तो हमने सीख लिया यूनिट डिजिट, अब मैं सिखाता हूं आपको कैसे निकालते हैं लास्ट टू डिजिट। ये कंसेप्ट बहुत इजी नहीं है, ये कंसेप्ट ट्रिकी है, अगर मैं आपसे पूछता इस क्वेश्चन के अंदर, इसको रब कर देता हूं एक बार, इसी सेम क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे पूछता 128 99 × 96 × 997, इसकी आप निकालो क्वेश्चन में जो भी मल्टीपल करके आंसर आएगा उसकी आपको निकालनी है लास्ट टू डिजिट। तो ये क्वेश्चन आसान होता क्या, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100। मुझे एक कंसेप्ट बताते बताते एक चीज याद आई, मैं यहां पे ना एक की लिख लेता हूं, अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, एक कंसेप्ट बताने वाला हूं जो मुझे याद आ गया, तो बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इस कंसेप्ट के लिए। ये कंसेप्ट में स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं डिवाइड करते टाइम, काटते टाइम, जो आपको याद रखना है हमेशा अपने दिमाग में रखना है अगर आप ये कंसेप्ट सॉल्व कर ले तो, ठीक है ना। देखो आपको पता है यहां पे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से तो यह नंबर 100 के मल्टीपल से 3 छोटा है, ये नंबर 100 के मल्टीपल से 4 छोटा है, ये नंबर 100 के मल्टीपल से -1 छोटा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर तीनों नंबर्स को अगेन क्या आएगा -12 आएगा, -12 आ नहीं सकता। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 100 से तो आपको पता है 100 से डिवाइड करूंगा तो नेगेटिव में कभी रिमाइंडर नहीं आता, इसको मैंने 100 से डिवाइड करा है तो मुझे ये बात पता है कि मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा, मतलब कि 100 माइनस 12 करूंगा तो आंसर आएगा 88। ये आ गई लास्ट टू डिजिट अगर मैं इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं। इस तरीके से कुछ और कंसेप्ट सीखते हैं हम लास्ट टू डिजिट के बेस पर। आपने ये बात देखी, अगर हमें लास्ट डिजिट निकालनी थी तो
तो हमने डिवाइड किया 10 से, लास्ट डिजिट बोल लो या फिर यूनिट डिजिट बोल लो, किसी भी नंबर की बात एक ही है। अगर हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी थी, 2 डिजिट कौन सी, एक नंबर की लास्ट 2 डिजिट मतलब कि राइट हैंड साइड से, तो हमने उसी नंबर को डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारी लास्ट 2 डिजिट आ गई। ये कंसेप्ट है इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में कह रहा है 98 मल्टीप्लाई 17373। हाँ, उससे पहले मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, एक बात मैंने अभी आपको यहां पे ये बोली थी कि मैंने आपको एक कीवर्ड बताना है, उससे पहले वो बताता हूं। देखो की पॉइंट यहां पे ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एक कंसेप्ट के बेस पर। कंसेप्ट समझो क्या है यहाँ पे, अगर मैं 26 को डिवाइड कर दूं 10 से, आप बोलोगे सर रिमाइंडर आया पॉजिटिव 6, बात खत्म। मगर बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती, स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, जो यहाँ पे लिखा ये प्योर फॉर्म है, रिसेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा प्योर फॉर्म से मिक्स फॉर्म को कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको काट देते हैं, ये 5 से गया, 2 से काटा, ये गया 13 से। जब 13 को डिवाइड करोगे आप 5 से, तो यार रिमाइंडर 3। तो सर स्टूडेंट बोलते हैं सर ये क्या हो गया, जैसे ही हमने इसको स्प्लिट कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, रिमाइंडर तो हमारा चेंज हो गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 3, एक्चुअल में हमारा रिमाइंडर आ रहा था 6। तो यहां समझने वाली बात ये है, आपको दिमाग ये लगाना है जिस नंबर से हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं उस नंबर से लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करना है, आपने ये बात ध्यान देनी है। मैंने इसको 2 से रैशनलाइज करा था, तो इस नंबर के अंदर अगर मैं 2 मिलाऊंगा तभी 6 आंसर आएगा, आपको ये बात समझ आ रही है। तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, सारी की सारी बातें हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो हम इस तरीके से, देखो आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, एक और बात बताता हूं मैं यहां पे, अगर आपको, अगर मैं यहां पे लिखा होता 24 डिवाइडेड बाय 9, 24 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर कितना आएगा पॉजिटिव 6, आपको पता 18 पे जाएगा रिमाइंडर, तो पॉजिटिव 6 आएगा। अगर इसको स्प्लिट कर देता 3 से इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, तो यहां पर आया 3, यहां पर आया 8, 8 को अगर डिवाइड करूंगा 3 से, तो यहां पर आएगा 2, रिमाइंडर कितना आएगा मतलब इसका 2 पे गया 6 पे, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया इसका 2। तो यहाँ पे वो ही हम लिखेंगे जिस नंबर से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई करा 3, जो रिमाइंडर आया सिंप्लीफाई करने का उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तभी हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आएगा जो हमारा इस फॉर्म में आना था। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए, अगर आप रिमाइंडर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत बार ये कंफ्यूजन होती है और स्टूडेंट्स 50% स्टूडेंट्स ना इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, कंसेप्ट सारे के सारे हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं हम, कंसेप्ट क्या कहता है हमें, आगे देखो अगर क्वेश्चन लिखा हो 98 मल्टीप्लाई 173 मल्टीप्लाई 153 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 127, अगर हमें इसको 100 से डिवाइड करना पड़े, क्वेश्चन फंस गया भाई साहब यहीं पे, क्वेश्चन फंस क्यों गया, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 100 के मल्टीपल से आपने ये बात समझी होगी कि नंबर माइनस करना पड़ेगा 27 या प्लस करना पड़ेगा 73, अगर इसकी रिमाइंडर की बात करूं उस नंबर की, तो बोलोगे सर जो अभी तो इस नंबर के मैं रिमाइंडर निकाले, इनके नंबर के रिमाइंडर निकलेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत लंबा कंसेप्ट हो गया लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए, ये तो बहुत बड़ा कंसेप्ट हो गया। स्प्लिट कर लूंगा इसको, यहां पे आएगा ये 24 पे, यहां पे आएगा ये 25 से। अब आप देख लो बहुत ही आसान है, सारे के सारे नंबर्स 25 के मल्टीपल के नियर बाय हैं, ये नंबर 25 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है क्योंकि 125 मल्टीपल आएगा। अब यहां देखो 24 हमने कंसीडर करना है, 96 कंसीडर नहीं करना, 24 इससे एक छोटा है 25 के मल्टीपल से, ये 150 इसका मल्टीपल होगा 25 का, तो इससे 3 बड़ा है,
ये नंबर दो छोटा है क्योंकि 75 इसका मल्टीपल होगा, जो भी नंबर होगा मतलब कि 17375 मल्टीपल होगा 25 का, तो इससे दो छोटा है और ये भी दो छोटा है। टू टू जा फोर मल्टीप्लाई सिक्स, तो मतलब आ गया ये 24 नेगेटिव में आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस होनी मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में हमारा 24 हमारा आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर कभी 24 हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमारे इस नंबर में से हम माइनस करेंगे जो हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, 25 माइनस करेंगे 24 तो रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। ये अगर क्वेश्चन में आप कहते हो रिमाइंडर 1 है तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत कर दिया आपने, क्योंकि हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको लास्ट में जिस नंबर से हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। हमने इसको सिंप्लीफाई किया था 4 नंबर से, तो हम 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 4, मतलब कि 04 इसकी लास्ट की दो डिजिट आएगी। अगर यहाँ 4 आ रही है तो लास्ट की दो डिजिट 04 लिख देना। अगर 22 आ रही है तो ये तो दो डिजिट नंबर है ही, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे हमारी 4 आ रही थी यार लास्ट की टू डिजिट, क्योंकि यहाँ 1 था, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर 4 तो आएगा 4, तो माइनस यहाँ 04 लगा देना। लास्ट की दो डिजिट बोली है, अगर लास्ट की डिजिट बोली होती निकालने के लिए तो आप इसको डिवाइड करते 10 से। उससे बढ़िया तरीका ये है यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो आपकी लास्ट की यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करके आसानी से निकल सकती है, ठीक है ना। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट की तरह हम आगे बढ़ते हैं, हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, आप कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है दोबारा से एक और कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन के बिहाव पे, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बिहाव पे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेज लेना पड़ेगा जी, पेज ले लेते हैं कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, 37 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 1352 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 73 लास्ट की दो डिजिट निकालनी है, 100 से डिवाइड कर देना, दो से काट लो पहले इसको, ये कटा 24 पे, ये कटा 50 पे, फिर दो से काट लो, पांच से काट लो, एक काम करो पांच से काटोगे एक आएगा 10, ये आएगा 13, तो उसके बाद दोबारा स्प्लिट कर लो, ये आएगा 5, दो से काटोगे तो ये आएगा तो कहते हैं 12। अब यहां पे 5 आ गया, अब इसको 5 से कितनी आसानी से कर लोगे इस क्वेश्चन को, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ये नंबर माइनस दो छोटा है, दो भी देखो 73 जहां रहा था ये मैं 70 इसका पहला मल्टीपल होता और 75 है, मेरे को पॉजिटिव 3 लिखना आसान पड़ा या फिर नेगेटिव 2, मुझे पता है एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू कि मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये मैंने आपको समझाया था पॉजिटिव में रिमाइंडर क्यों निकालते हैं और नेगेटिव में रिमाइंडर क्यों निकालते हैं, इसका रामबाण तरीका यही था। अब आगे बढ़ते हैं, देखो समझ आ चुका आपको, इजी अब बनाएंगे, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन क्यों करते हैं, हम इजी बनाने के लिए करते हैं। नेगेटिव 2 रिमाइंडर 5 से काटोगे, पॉजिटिव 2 रिमाइंडर की 10 आएगा, पॉजिटिव 2 रिमाइंडर नेगेटिव 1 रिमाइंडर नेगेटिव 2 रिमाइंडर की 15 आएगा, यहां पे इसका मल्टीपल दो छोटा है, माइनस 2 रिमाइंडर प्लस 2 रिमाइंडर। अब यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2, ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं इसलिए कंसेप्ट टाइम टेकिंग हो रहा है, अदरवाइज ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा अगर आप इसको एग्जाम में सॉल्व करोगे, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 इसका आ गया रिमाइंडर, 64 आ गया रिमाइंडर। आप बोलो इसी को रिमाइंडर आएगा, बोलूंगा नहीं, क्योंकि यहां पे नंबर 5 है, 5 से दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 65 से कितना छोटा है, माइनस 1 छोटा है, 5 माइनस 1 आ गया आंसर 4 आ गया इस क्वेश्चन का रिमाइंडर, क्योंकि इस नंबर से तो छोटा ही होगा ना रिमाइंडर, जो भी आएगा 5 से छोटा ही आएगा तो रिमाइंडर आ गया 4, आपका क्वेश्चन हो गया बिल्कुल गलत।
बिल्कुल गलत किया हूं, क्योंकि हमें स्क्यू सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहां पे 5 के अंदर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा 100 हो जाए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20, वही नंबर यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 20, तभी इसका रिमाइंडर 80 आएगा। रिमाइंडर नहीं निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, रिमाइंडर बोल लो, या फिर हमें इसी क्वेश्चन में निकालनी थी लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट हमारी इस क्वेश्चन के हिसाब से आएगी 80। लास्ट में जो रेस्टर आई जिस नंबर से करा उसको मल्टीप्लाई करना, कभी मत भूलना, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आपको ऑप्शन के अंदर 04 भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 90% स्टूडेंट लास्ट में मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं, बिल्कुल गलत। अब आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट के बेस पर, हमने लास्ट 2 डिजिट निकालना सीख लिया है आज के कंसेप्ट के बिहार पे। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट कुछ और भी कह रहा है इसी तरीके से डिविजिबल रूल के बेस पर। कंसेप्ट ये कहता है रिमाइंडर थ्योरम के डिविजिबल रूल के बेस पर, हम जो सारा सारा कंसेप्ट सीख रहे हैं ना आज, कल जो हम पढ़ेंगे वीडियो में वो तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया कंसेप्ट के कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, 35 की पावर यहां लिखी है 113, अगर मैं उसको डिवाइड करूं 9 से, देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 35 मल्टीप्लाई दिस हाउ मेनी टाइम्स, 113 टाइम्स, इसका मतलब यही है। अगर मैं उसको डिवाइड करूं 9 से, इसका आंसर -1, क्योंकि 9 36 का मल्टीपल होता है, 36 9 का मल्टीपल होता है, इस तरीके से हम देखेंगे 9 4 आता है 36 से कितना छोटा है, -1। आपने यहां पे देख लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। अब देखो अगर मैं इसका पॉजिटिव आंसर निकालता तो क्या आता, 27 से नंबर कितना बड़ा है, +8 बड़ा है, +8 मल्टीप्लाई +8 कितनी बार, 113 बार। पॉसिबल है क्या क्वेश्चन में करना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजी बनाएंगे, रिमाइंडर तभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना सीखा। आपको धीरे 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 वीडियो क्लियर हो चली जाएगी मैं क्या बात बोल रहा था, पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या था। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, हाउ मेनी टाइम्स, 113 टाइम्स, मतलब कि -1 रिमाइंडर 113 बार, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि -1 के ऊपर पावर अगर ऑड है तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा, नेगेटिव में कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता, उसको इस नंबर से माइनस करेंगे, 9 - 1 करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 8। किसका रिमाइंडर 8 आएगा, अगर हम 35 की पावर 113 बार मल्टीप्लाई करें, उसको डिवाइड कर दें अगर 9 से, रिमाइंडर कितना आएगा 8। ये कंसेप्ट में अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और मुझे कमेंट करके बता देना कि ये इस कंसेप्ट में मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। एक और बात समझो, अगर यहां लिखा होता 37 की पावर 113 डिवाइडेड बाय 9 से, दोबारा से वही बात, 37 मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स, 113 टाइम्स, डिवाइड बाय 9 से करेंगे, 9 के मल्टीपल से, मतलब कि 36 से नंबर कितना बड़ा है, पॉजिटिव 1 रिमाइंडर यहां पर आंसर जाएगा, कितनी बार, +1 रिमाइंडर आएगा 113 टाइम्स, 13 टाइम्स मतलब 1 की पावर से 13, रिमाइंडर 1। या नेगेटिव नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव में हमारा रिमाइंडर नहीं आ रहा, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा तभी उसको उस नंबर से माइनस करते हैं जो डिवाइड में लिखा होता है। रिमाइंडर पॉजिटिव में है तो इस तरीके से हमारा इसका रिमाइंडर आएगा कितना, 1। एज सिंपल एज दैट, सारी की सारी बातें समझते हुए चलनी है हमने। कंसेप्ट इतना बढ़िया है ये, इसके कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टीयर 1 में भी आते हैं रिशु, टीयर 2 में भी आते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट समझ लेना ये। अब बात समझ आती है ये, अब आपने ये डाउट सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, सर हमें क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आएंगे, लेट्स से अगर मैं 26 की यहां बात करूं, इसके ऊपर पावर लगा दूं 100,000, डिवाइड करूं उसको अगर 5 से, तो यहां पे ये नंबर +1 रिमाइंडर छोड़ेगा। अगर मैं 24 की बात करूं, 24 की पावर 100,000,
एक लाख जो भी है डिवाइड करोगे उसको पांच से, तो यहाँ माइनस वन की पावर एक लाख हो जाएगी। तो आप सोचोगे सर हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से ही आते हैं कि यहाँ पॉजिटिव वन की पावर होगी तब ये क्वेश्चन करना आसान होगा। अगर यहाँ पे प्लस टू, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा प्लस टू माइनस थ्री भी आ रहा था, अगर उसकी पावर हमें निकालनी पड़ेगी तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएंगे इस तरीके से क्वेश्चन। तो मैं बोलता हूँ इस तरीके से क्वेश्चन आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, कुछ स्प्लिट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन को इस तरीके से बनाने के लिए। अब जो मेरी बात तो मैंने बोला कि रैशनलाइज कैसे करना पड़ेगा, स्प्लिट कैसे करना पड़ेगा, उसको अगर समझना है आपको समझाते हैं कुछ क्वेश्चन की हेल्प से। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है पावर 33 अगर डिवाइड करें 9 से, क्वेश्चन आ गया हमारे सामने 2 टू द पावर 33 अगर डिवाइड करें 9 से व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर पता है क्या होगा, हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, कुछ रैशनलाइज करना पड़ेगा उस फॉर्म के लिए जो मैं 1 की फॉर्म कह रहा था। 1 की पावर कुछ भी हो, नेगेटिव 1 की पावर कुछ भी हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें निकालना आसान है एज कंपेयर टू अगर मैं इसकी बात करूं 2 × 2 × 2 × 2 33 टाइम्स, अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा 9 से तो पता कितना लेंथी हो जाएगा। इसके दो ही रिमाइंडर आ सकते हैं इसको डिवाइड करने के बाद, या पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 7। तो जब हमें पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई करना है तो ये ना कर लूं मैं, तो क्वेश्चन इजी कैसे हुआ। हमें इस क्वेश्चन को इजी बनाना पड़ेगा। इजी पता है कैसे बनाएंगे, इसको इस तरीके से इजी बनाएंगे। मुझे पता है अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं इस तरीके से 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 11, मैंने ऐसे लिख सकता हूं इस क्वेश्चन को। ऐसे मैंने क्यों लिखा अभी आपको पता लग जाएगा। 2 to the power 3 पता कितना होता है, 2 to the power 3 होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 4 × 2 × 8 आ गया ना 8 to the power 11 डिवाइड बाय 9। मैंने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख लिया तो अब यहाँ पे आ गया 11। 8 to the power 11, 9 से एक छोटा या फिर एक बड़ा नंबर मिल गया वो तो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर यहाँ बात बोलो नेगेटिव 1 की पावर 11 आएगी, नेगेटिव 1 की पावर ऊपर ऑड होते तो रिमाइंडर आएगा माइनस वन रिमाइंडर नहीं हो सकता, उसको माइनस करेंगे 9 − 1 रिमाइंडर 8। इस तरीके से हमने स्प्लिट कर लिया, क्वेश्चन बनाना पड़ा हमें 9 के से एक छोटा नंबर या बड़ा नंबर हमें बनाना पड़ेगा अगर हमें रिमाइंडर 1 की फॉर्म में चाहिए। अगर हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे जिनके ऊपर पावर लिखी होती है वो क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया वे वाला तो कोई बात नहीं, आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जिससे मैं आपको सारी की सारी प्रैक्टिस करा दूंगा ये क्वेश्चन होते कैसे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हमें यहाँ पे लिखा होता 2 to the power 34 डिवाइडेड बाय 9 तो हम क्या करेंगे। सर ये तो नंबर मुझे पता है 2 to the power 38 होता है, मगर ये नंबर तो 3 से मल्टीप्लाई ही नहीं होता, तो मैं ऊपर 11 लिखता तो 33 आ जाता, अब यहाँ 12 लिखूंगा 36 आ जाएगा। तो हमें आपको ये फॉर्म स्प्लिट करनी आनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपके मैथमेटिक्स के क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 × 11 तो आएगा 33 मल्टीप्लाई 2 की पावर मैं लिख दूंगा। तो ये मैंने इसको पूरी फॉर्म को इस पार्ट में स्प्लिट कर दिया कि हमें इजीली हो जाए हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ, 8 to the power 11 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 9। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव 1 की पावर 11 आएगा, इसको सॉल्व करोगे रिमाइंडर कितना आएगा पॉजिटिव टू आएगा रिमाइंडर। क्यों आएगा पॉजिटिव 2, तो आप सोच रहे हो कि सर पॉजिटिव 2 पे लिख दिया आपने, अच्छा ठीक है मैं बता देता हूं आपको, 2 को जब डिवाइड करूंगा 9 से जीरोस आएगा 0, तो यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा 2 पॉजिटिव 2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं, पॉजिटिव 2 लिखेंगे यहां पे, ठीक है ना। माइनस 1 की पावर 11 कितना आएगा नेगेटिव, मल्टीप्लाई पॉजिटिव 2 नेगेटिव 1, यहाँ पे इसका आंसर आएगा, मतलब कि नेगेटिव 2 ये क्या आ गया, नेगेटिव 2 आ गया आपका रिमाइंडर जो कि हो ही नहीं सकता। हमने यहाँ पे क्या करना है 9 से इसको माइनस करेंगे, 9 − 2 = 7 हमारा यहाँ पे क्या आ गया इसका रिमाइंडर आ चुका है इस क्वेश्चन का।
अगर हम 2 to the power 34 को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 9 से, उसका रिमाइंडर कितना आएगा 7। ये बेसिक कंसेप्ट आई होप आपके सारे के सारे क्लियर हो रहे होंगे आज की क्लास के अंदर जितना भी हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब दूसरा देखो कंसेप्ट, अगर यहाँ पे लिखा होता 7 to the power 512 divided by 400, ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए 7 to the power कोई ऐसी होती है क्या जो 400 से नंबर एक ज्यादा हो या फिर एक कम हो। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 सेकंड का हो जाएगा। मुझे पता था 7 की पावर अगर मैं लिखूं यहां पे 4, 7 की पावर 4, 7 का होता है 49, 49 का स्क्वायर होता है 2401। अगर इसको मैं क्या लिखता हूं 4 × 128 तभी होता है 4 × 128 लिखोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 512। इसको इस पॉइंट में स्प्लिट कर दिया मैंने, डिवाइड करूंगा जब 400 से तो ये कैसे लिख दूंगा 2401 की पावर 128 डिवाइडेड बाय 400। इसको जब इससे काटूंगा रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव 1, क्योंकि 2400 एक ऐसा मल्टीपल है जो कि 400 का मल्टीपल है। मल्टीप्लाई 6 करेंगे 400 के अंदर तो आ जाएगा 2400, प्लस एक बड़ा है प्लस 1 आ गया तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस 1 की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर प्लस 1 ही आएगा, रिमाइंडर इसका पॉजिटिव 1 आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे इस कंसेप्ट के बेस पर। ये मैंने सिखा दिया आपको कैसे स्प्लिट करते हैं। अब अगर इसी कंसेप्ट में अगर हमें रैशनलाइज करना पड़ जाए तो कैसे क्वेश्चन करेंगे देखो, ये मैं आपको कल कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से। रैशनलाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, स्प्लिट करने का एक कंसेप्ट ले लेते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, स्प्लिट का एक क्वेश्चन, पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरीके से। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एग्जाम में आपको आई होप समझ आ चुका होगा, मगर फिर भी आपके मैं डाउट्स जो है क्लियर करा रहा हूं प्रैक्टिस के साथ, ताकि हम 4-5 क्वेश्चन अगर इसी क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो लिखा है 2 to the power 110 divided by 9, मतलब कि आपको पता है 2 to the power अगर मैं 3 लिखूंगा तभी 8 हो जाएगा, तो यहां पे मुझे 2 to the power 3 लिखना है। नियर बाय कौन सा मल्टीपल है 108 मल्टीपल, जो कितने पे आता है 36 पे। मल्टीप्लाई 2 to the power 2 भी करना पड़ेगा, ऐसे क्यों आप बोलोगे मुझे, ऐसे क्यों? क्योंकि देखो 3 मल्टीप्लाई करोगे 36 से आएगा 108, जब बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, 108 प्लस 2 की पावर 110 बन जाएगा। इस तरीके से हमें स्प्लिट करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिख दूंगा 8 की पावर 36 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 9, इस तरीके से हम करेंगे। यहां पे नेगेटिव में पावर है, नेगेटिव 1 के ऊपर 36 इवन नंबर आ गया तो मतलब बन जाएगा पॉजिटिव 1 रिमाइंडर, और यहां पे 4 रिमाइंडर आएगा इसका पॉजिटिव में। मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में ऐसे क्यों, प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 4 रिमाइंडर, मतलब कि 4 रिमाइंडर आ गए इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने दोबारा बताया आपको थोड़ा सा और फॉर्म में इसको कैसे स्प्लिट करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्प्लिट वाला, 4 to the power 48 divided by 33। आपको ये बात पते होने चाहिए कि ऐसी नंबर जो यहां पे लिख दूं, इस फॉर्म को ऐसा क्या स्प्लिट करूं कि यहां पे मैं 32 लिख दूं तब बात बन जाएगी, 34 लिख दूं तब बात बन जाएगी, या फिर फोर्थ थर्ड ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इसको स्प्लिट कर दूं। भाई जी इसको स्प्लिट करने के लिए यहां मुझे चाहिए 3 एट एनी कॉस्ट, तभी यहां पे कटेगा 33 से, या फिर चाहिए 11। तो ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी आपको पता रहेगा जैसे जैसे हम कल की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। आज हम सीख रहे हैं बेसिक बेसिक क्वेश्चन कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे रैशनलाइज करके हम इसके आंसर निकालेंगे। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं आज की क्लास में, कल हम देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आते हैं एग्जाम में इस कंसेप्ट के बेस पर। देखो मुझे पता है अगर मैं 2 की बात करूं यहां पे, मैं इस क्वेश्चन का लिख सकता हूं 2 to the power 2 48, बात बिल्कुल ठीक है यार, मैं लिख दिया 2 to the power हो गई 96 divided by 33। अब मुझे पता है 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, जैसे मुझे पता लग गया 2 की पावर 5 32 होता है, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा ना 2 की पावर 5 19 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 33। ऐसे क्यों लिखा मैंने यहां पे, ऐसे मैंने इसलिए लिखा यहां पे
टू की पावर 5 मैंने लिख दिया, 32 आ गए यहाँ पे, मुझे 32 नंबर चाहिए, मैंने आपको बताया 32 चाहिए या 34 चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन ही आसान हो सकता है। 32 की पावर यहाँ पे आ गई 19 डिवाइड बाय, जब मैं इसको 33 से डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया 2 की पावर 1, तो भी यहाँ पे ये पावर 95 प्लस 1 96 बनेगा। हमें पावर सेम लिखनी है, हमें ऐसा नंबर यहाँ स्प्लिट करना है ताकि इस फॉर्म को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका नेगेटिव 1 आंसर आ गया, इसका नेगेटिव 1 की पावर ऑड नंबर तो मतलब कि नेगेटिव 1 ही रिमाइंडर आ गया, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो मतलब नेगेटिव 2 इसका रिमाइंडर आ गया, नेगेटिव 2 को भी रिमाइंडर हो नहीं सकता, उसको इस नंबर से माइनस करोगे 33 माइनस 2 आ गया 31, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ गया हमारे सामने है, आंसर निकल गया शॉर्ट शॉर्ट, मगर इसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आई होप मैं सारी की सारी चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता आ गया हूँ, अगर आपको समझ आई है सारी सारी चीज तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना कि आज की क्लास बहुत बढ़िया रही जो भी हम लाइव पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बेस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रेशनलाइज वाले कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं। रेशनलाइज वाले कंसेप्ट देखो ये है, अगर लिखा होता 2 टू द पावर 99 उसको डिवाइड करना होता मुझे किस नंबर से, 10 से, तो आप सोचोगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि मुझे पता है 2 की पावर, या तो आपको पता होना चाहिए 2 की पावर ऐसा कोई नंबर ही नहीं आएगी, 2 की पावर 1, 2, 4, 6, 8, 6, 2, 4, 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 फिर 128 फिर 256, ऐसे करते करते ऐसा नंबर नहीं बनता सर जो 9 आए या फिर 11 आए, मतलब कि रिमाइंडर जिसमें पॉजिटिव 1 या फिर नेगेटिव 1 आएगा, आपको ये फॉर्म नहीं मिलेगी तो आप इसको स्प्लिट कर लेना। कैसे, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 98 लिख देना डिवाइडेड बाय 10 लिख देना, बात बिल्कुल सेम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पॉजिटिव आ जाएगी 99 पावर, अगर मैं ऐड कर दूंगा बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है, तो मैं इसको काट लूंगा 1 से 5 से, क्वेश्चन हो गया बहुत ही मक्खन क्योंकि अब ये क्वेश्चन बच गया 2 की पावर 98 डिवाइडेड बाय 5, आपको पता है 2 की पावर 2 होती है, यहां लिखोगे कितना 49 डिवाइड बाय 5, 2 की पावर 2 आ गया, 4 की पावर 49 डिवाइड बाय 5 नेगेटिव 1 रिमाइंडर के ऊपर पावर 49, यहां पे नेगेटिव 1 पावर, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ रही है ना, नेगेटिव 1 पावर में जल्दी से लिख रहा हूं आप क्योंकि आपका कंसेप्ट मैंने आपका लेवल जो माइंड का धीरे धीरे बढ़ता चला गया, अब मुझे पता लग गया मैं यहां पर लिख नहीं रहा नेगेटिव 1 रिमाइंडर, मैं सीधा लिख रहा हूं नेगेटिव 1 रिमाइंडर के ऊपर पावर 49, आंसर कितना आएगा माइनस 1, रिमाइंडर माइनस 1 में नहीं हो सकता, इसको माइनस करेंगे 5 से, 5 माइनस 1 आएगा आंसर 4, एक्चुअल आंसर 4 नहीं है, 4 के अंदर हम वो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमने रेशनलाइज करा, इसको रेशनलाइज करा था 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा 8, अगर ये कंसेप्ट समझ आ रहे हैं मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना कि ये सर जो आपके सिंप्लीफाई वाला तरीका सीखा वो भी आ गया, रेशनलाइज वाला तरीका कंसेप्ट वो भी आ गया, रिमाइंडर पॉजिटिव नेगेटिव जो हमने करके सीखे कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, सारे के सारे चीजें जो पढ़ रहे पढ़ते चल रहे हैं वो सब कुछ क्लियर है, और आपको सब कुछ क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दो, इससे मुझे पता लग जाता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। एक और कंसेप्ट देखते हैं इसी कंसेप्ट के बेस पर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, देखो अगर लिखा होता 5 टू द पावर 500 डिवाइडेड बाय 500, अब यार आपको पता होना चाहिए 5 की ऐसी पावर जो इसका मल्टीपल हो एक छोटा या एक बड़ा, मुझे पता है अगर मैं इसको 4 पे ले गया तो यहाँ 5 का आंसर बहुत आसान हो जाएगा, अगर मैं इसको 4 पे ले गया, क्यों मेरे को यहाँ अगर नीचे में 4 बना दूं इसको तो ये 5 की पावर बहुत आसान हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 497 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे लिख दूंगा 125 मल्टीप्लाई 4, 125 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 500 होता है, 5 की पावर 3 कितना होता है 5 की पावर 3 भी होता है 125, ये से ये कैंसिल आउट हो गए, क्वेश्चन क्या बचा, क्वेश्चन बचा 5 की पावर
497 हो या फिर यहां पे एनी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड बाय 4 आ गया, 4 के मल्टीपल से सिर्फ एक ज्यादा है वो भी पॉजिटिव का, तो क्वेश्चन इतना आसान हो गया। पॉजिटिव 1 के ऊपर पावर ऑड हो या फिर इवन हो रिमाइंडर आएगा 1, मगर रिमाइंडर 1 नहीं हो सकता कि हमने इसको स्प्लिट करा है 125 से, तो 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना 125, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 125 जब इसको आप डिवाइड करोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं हम, ये सारे के सारे डिवाइड वाले। आई होप आपको सारे के सारे कंसेप्ट ये क्लियर होंगे, अगर क्लियर है कंसेप्ट तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इस कंसेप्ट के बेस पर, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे इस कंसेप्ट के बेस पर, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है 30, यहां लिख दूं क्या, ठीक है, 35 की पावर 119387 69 मल्टीप्लाई 7 करना, उसको डिवाइड करना 9 से। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, देखो ये कितना छोटा है -2 छोटा है, ये कितना छोटा है -1 छोटा है, -1 के ऊपर पावर ऑड रिमाइंडर -1 मल्टीप्लाई करेंगे -2 से रिमाइंडर आ गया 2, बात खत्म। इतना इजी क्वेश्चन, मगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आपका ये क्वेश्चन इजी हो पाएगा। आई होप मैं आपको इतना ही पढ़ाया मैंने आज, सब कुछ क्लियर होगा आपको अब तक। आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते मैं आपको एक और कंसेप्ट बताने वाला हूं। यहाँ पे कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट कह रहा है कुछ इस तरीके से, आज की क्लास के कुछ कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से, डिविजिबिलिटी रूल के बेस पर एक कंसेप्ट लाता हूं मैं आपको। एक कंसेप्ट ये है, वो स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर दो टाइप के नंबर होते हैं हमारे पास, या तो नंबर होगा प्राइम, या तो नंबर होगा कंपोजिट। अब मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगा प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में मैं सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूं, ठीक है। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर प्राइम नंबर जो भी होते हैं, लेट्स से 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन सभी नंबर्स का हम डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालेंगे। तो बोलूंगा यार कुछ बात नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है इसका, आप एक बार तरीका देख सकते हो, इसका रूल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको मैं ये भी बोलता हूं आपको याद करना पड़ेगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये तो देखो आपको याद करना पड़ेगा। देखो मैंने कुछ इस वीडियो के अंदर कुछ डिविजिबिलिटी रूल दे दिए हैं मैंने, 3 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे, 7 का डिविजिबिलिटी रूल, देखो बहुत आसान है सारे सारे डिविजिबिलिटी रूल, मगर क्या करना होता है हमें इसके अंदर, कंसेप्ट बताऊंगा कंपोजिट नंबर के बेस पर। देखो हमें यहाँ पे आप मुझे बोलोगे सर 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, मगर अगर बात करें हम 33 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो आप बोलोगे सर ये तो कंपोजिट नंबर है, पहली बात आपको ये बताना चाहिए कि ये कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। जो भी नंबर प्राइम होगा उसका डिविजिबिलिटी रूल आपको याद करना पड़ेगा, पहली बात आप ये समझ लेना। दूसरी बात, अगर जो नंबर कंपोजिट नंबर होगा उसका डिविजिबिलिटी रूल आप जिंदगी में कभी भी याद नहीं करोगे। ऐसे क्यों, अगर कोई नंबर 33 है जैसे कि, उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, उसके आप दो फैक्टर बना लेना, उसके फैक्टर आप ऐसे बनाना जो कि को प्राइम नंबर हो। जैसे कि मैं बात करूं 3 और 11, ये दोनों को प्राइम नंबर है, इन दोनों नंबर के बीच में एचसीएफ बना रहा है, तो ये नंबर को प्राइम नंबर है। तो मतलब आपको ये पता लग गया जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा एज वेल एज वो नंबर 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 33 से डिविजिबल हो जाएगा। आपको इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं। तो अगर आप बोलोगे मुझे सर एक डाउट आ रहा है आपके मन में, मैं बोलता हूं हाँ क्या डाउट है, सूरज मेरे से पूछते हैं, मैंने आपको यहाँ पे जो बोला ना, अगर आपने वो मेरी बात ध्यान कर ली होगी तो आपको सब चीज क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ उस कंसेप्ट को जो मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं सर हम 99 की अगर बात करें, 99 एक कंपोजिट नंबर है, बोलता हूँ बिल्कुल ठीक, उसके सर फैक्टर बन गए
थ्री और 33, तो जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा और 33 से डिविजिबल होगा वो नंबर 99 से भी होगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, ये इसका डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो कि फैक्टर कोप्रेन नंबर हो, मतलब इसके बीच में एचसीएफ 1 हो, मतलब कि इसके फैक्टर बनेंगे 9 और 11, ये दोनों कोप्रेन नंबर हैं, ये इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। अब बोलोगे सर 9 × 11 भी 3 × 33 भी, दोनों का मतलब तो 99 ही आता है। मैंने आपको ये बात पिछली बार अभी यहाँ पे क्लियर कर दी थी कि हम फैक्टर ऐसे निकालेंगे जो कोप्रेन नंबर्स होंगे, मतलब कि जो नंबर 9 से डिवाइड होगा और वो नंबर 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर 100% 99 से भी डिविजिबल होगा। अब मुझे बताओ कि 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता होगा? अगर आप सोच रहे हो कि 3 और 12 इसके डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेंगे, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऐसे फैक्टर चाहिए जो कोप्राइम है जो कि 4 और 9 है, जो नंबर 4 से डिवाइड होगा और नंबर 9 से भी डिवाइड होगा तो वो नंबर 36 से भी डिवाइड होगा। तो मैंने आपको पूरा राम बाण बता दिया है उन नंबर्स का जो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। मैंने आपको पहली बार बता दी कि जो नंबर प्राइम नंबर होंगे उसका आपको डिविजिबिलिटी रूल याद करना पड़ेगा, मगर जो नंबर होंगे हमारे कंपोजिट नंबर वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। वो नंबर के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो फैक्टर को प्राइम नंबर्स हों, दोनों नंबर्स उनका मल्टीप्लीकेशन वो नंबर होगा, प्लस जो फैक्टर को प्राइम नंबर्स हों और साथ ही साथ उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, कोप्राइम नंबर होंगे तो उनका एचसीएफ 1 ही आएगा। आई होप आपको आज के सारे के सारे क्लास के डाउट्स जो भी होंगे मुझे कमेंट कर देना कि जो डाउट है आपके। अगर आप मेरे से लाइव अभी पढ़ रहे हैं तो मुझे वो बता दें कि आपके कोई भी डाउट है, जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल हम सारे के सारे कंसेप्ट सीखेंगे, जो भी हमने कंसेप्ट आज सीख लिया उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे A to Z, चाहे वो क्वेश्चन प्रीवियस लेवल में आए चाहे वो क्वेश्चन एडवांस लेवल में आए, मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको बहुत इजीली आज के कंसेप्ट के बेस पर। अगर आपके आज के कंसेप्ट के बेस पर कोई डाउट है तो क्लियर कर लेना, मुझे अभी बताओ कोई डाउट है तो, ताकि हम उसको अभी क्लियर कर लें अगर डाउट है तो। ऐसे ही कुछ कंसेप्ट आगे बढ़ते हैं, पहले 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ जल्दी से, मैं लाइव हूं अभी। कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ यहां पे रूल्स लिखे हुए हैं नंबर सिस्टम के जो मैं बताऊंगा अभी आपको, जिसके बेस पे हम कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी बताओ, मेरा पूरा ध्यान फोन में है, अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज जल्दी बताओ। सब कुछ क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम, बहुत बढ़िया। अब कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे, रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर बोल लो आप, डिविजिबिलिटी रूल के बेस पर बोल लो, बात एक ही है। देखो कुछ रूल्स क्या होते हैं, फॉर पहला रूल देखते हैं हम, फॉर एनी नंबर एन इन अ फॉर्म ऑफ, जो एन पी माइनस एन की फॉर्म में होगा, एन पी माइनस एन की फॉर्म में होगा, कंडीशन ये है कि वो हमेशा पी से डिवाइड होगा। पहली कंडीशन ये है कि P जो है एक प्राइम नंबर होना चाहिए, P जो है एक प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब कि वो 1 से और खुद से डिविजिबल होना चाहिए, वो तो P से हमेशा डिविजिबल होगा। क्वेश्चन में कभी कभी पता है क्या पूछ लेता है, 100 की पावर 101 माइनस 100 ये किससे डिविजिबल होगा, तो वो नंबर 101 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये लिखा है एन पी, 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 101 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम ये देखेंगे कि एक और बड़ा कंसेप्ट आया तो उसको इलेबरेट कर देता हूं। अगर 2 की पावर 5 - 2 लिखा है, 2 की पावर 5 जैसे कि हमने देखा 32 - 2 30, डिविजिबल किससे होगा, इस नंबर से जो कि हमने लिखा था यहाँ पी, 5 से डिविजिबल होगा, 30 रिमाइंडर 0, बिल्कुल बात सही है। आगे बढ़ते हैं, मगर सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना जो भी हम पढ़ रहे हैं यहां पे, ठीक है ना, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8, कोई भी स्क्वायर करें एनी ऑड नंबर, 3 का स्क्वायर आएगा 9, उसको अगर डिवाइड करें 8 से तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा,
पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ यार, नेगेटिव का तो यहाँ मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। कोई भी ऑड नंबर अगर मैं 7 ले लूँ, 7 का स्क्वायर होता है 49, उसको 8 से डिवाइड करूँ, 8 6 48, रिमाइंडर 1। देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट है ना। ये सारे सर आपको लॉजिक दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। थर्ड लॉजिक क्या कह रहा है, थर्ड रूल क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड ए फाउंड बाय नंबर रिवर्सिंग डिजिट इट इज एक्स। मतलब कि एक नंबर है, लेट्स से 36 क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसको हम रिवर्स कर दें 36, उनका डिफरेंस मतलब कि माइनस करके जो आंसर आएगा, मतलब कि यहाँ पे आंसर आ रहा है 27, वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। हमें क्वेश्चन में पता क्या बोलता है, क्वेश्चन में ये बोलता है कि अगर एक नंबर है उसको रिवर्स करें, उसको माइनस करें, आपस में डिफरेंस जो होगा किससे डिविजिबल होगा, हमें क्वेश्चन में बोलता है 9 से, 8 से, 7 से, 11 से, तो हम क्या आंसर करेंगे 9 से। लेट्स से एक नंबर लेता हूं मैं यहाँ पे 91, उसको रिवर्स करूंगा आंसर आएगा 19। जब 91 माइनस करूंगा 19 से आंसर आएगा 272, हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, जो भी नंबर आएगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरीके से अगर हम नंबर ले लें सेम, अगर हम प्लस कर दें इसको, जो हम प्लस कर दें तो आंसर आएगा 110, तो वो नंबर हमेशा 11 से डिवाइड होगा। मतलब कि जब हम माइनस करेंगे जो डिफरेंस होगा वो 9 से डिवाइड होगा, प्लस करेंगे जो आंसर आएगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। यही हमारा रूल नंबर 4 कह रहा है, इफ द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज एक्स, ठीक है ना, द सम ऑफ अ डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एक्स बाय 11, मतलब कि हमेशा एक्स से डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पे, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसके बेस पर कल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी हो जाएंगे हमारे क्वेश्चंस अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 5 कह रहा है, अगर ए की पावर एन डिवाइड बाय ए माइनस वन लिखा हो, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज बी 1। हमने देख लिया यार ये कंसेप्ट तो, आज हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, रूल पढ़ लिए, इसके बिहाफ पे बहुत इजी हो रहा है। देखो मतलब कि ए की पावर कुछ भी ले लूं, ए की पावर मतलब ये 5 ले रहा हूं, 5 की पावर में 100,000 ले रहा हूं, और यहां लिखा है 5 माइनस 1 मतलब कि 4। आपने पढ़ लिया यार ये कंसेप्ट तो, पॉजिटिव 1 रिमाइंडर, पॉजिटिव 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव 1 रिमाइंडर। अरे बहुत बढ़िया यार, कंसेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है, देखो यहां पे आप, अगर ए की पावर इवन नंबर है, अगर ए की पावर इवन नंबर है, अगर उसको डिवाइड करें ए प्लस 1 से, मतलब कि अगर 5 की पावर 10 है उसको डिवाइड करें 6 से, तो रिमाइंडर पता कितना आएगा, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ऐसा क्यों, देखो अगर यहाँ पे 5 को डिवाइड करूंगा 6 से, आपको पता है -1 रिमाइंडर, -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मगर अगर a की पावर ऊपर ऑड नंबर है और डिवाइड बाय a प्लस 1 लिखा है तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा a, रिमाइंडर कितना आएगा a। देख लो अगर 5 की पावर 9 है, 9 एक ऑड नंबर है, डिवाइड करें उसको 6 से, 6 मतलब कि -1 रिमाइंडर आया, नहीं -1 की पावर और 9 है तो रिमाइंडर -1 ही आएगा, नेगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं है, तो मैं उसको माइनस करूंगा 6 से, 6 -1 आएगा आंसर 5, रिमाइंडर ए जो हमने माना था यहाँ पे, ये ए था रिमाइंडर, मैंने देख लिया यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। कुछ बेसिक लॉजिक देखो यहाँ पे, इसके बिहार में कभी अगर क्वेश्चन में आते हैं, लॉजिक नंबर रूल नंबर आप देख सकते हो 8 जो है, ठीक है ना, 7 7 7 6 6 6, कोई भी 3 डिजिट नंबर जो कि अकरिंग होगी, मतलब कि जो बार बार रिपीट हो जाएगी, सिर्फ 3 डिजिट नंबर वो हमेशा 37 से डिविजिबल होगी। हमें क्वेश्चन में बोलता है x x x 3 डिजिट नंबर है वो हमेशा डिविजिबल होगी 11 से, 13 से, 19 से या फिर 37 से, तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को जिसको नहीं पता ये रूल, वो डिवाइड करके देखने लग जाते हैं, 1 1 1 किससे डिवाइड होगा, 2 2 2 किससे डिवाइड होगा, 3 3 3, तो उसको आप ध्यान में रखना वो नंबर 37 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर कोई 6 डिजिट नंबर हो और अकरिंग हो, रीअकरिंग हो, मतलब कि बार बार 6 की 6 डिजिट सेम हो, तो वो नंबर 7 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 33 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 37 से डिविजिबल होगा, मतलब कि 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2, इस तरीके से सारे के सारे नंबर
नौ नंबर बनेंगे हमारे पास 999999 तक लेके नौ नंबर बनेंगे, जो नंबर 7, 11, 13 और 37 सबसे डिविजिबल होंगे, 6 डिजिट नंबर जो होगा, ठीक है ना। एनी नंबर लाइक जो बार बार रिपीट हो रहा है 2323, 5252, 1010 हमेशा किससे डिविजिबल होता है, 100 से डिविजिबल होता है, जो भी 4 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट फिर दोबारा वो 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो वो नंबर 101 से डिविजिबल होता है। ये क्वेश्चन में इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं रूल बता दिया मैंने यहाँ पे, जिन स्टूडेंट्स को रूल नहीं पता होता वो करके देखने लग जाते हैं, आपको रूल माइंड में रखने हैं, ठीक है ना। देखो अब जो ये तीन कंसेप्ट है ना यहाँ पे 11, 12, 13 में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पहले इसके व्याप पे हमने करा आज कंसेप्ट पढ़ लिया, कंसेप्ट के बाद जो रूल्स पढ़े तो बहुत आसान लगे ना, तो तीन रूल जो यहाँ पे दे रखे हैं वो मैंने आपको आज नहीं पढ़ाए, वो बढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब क्वेश्चंस कर लेंगे रूल हमें बहुत आसानी समझ आ जाएगा, जो ये रूल्स लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 11, 12, 13 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे तीनों रूल जब हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको आपकी आपकी आज लाइव जो क्लास है वो समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं सेम टाइम, थैंक यू सो मच।